1, 2, 3, let's go! Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Sudiksha. So guys, आज के वीडियो में I will not be doing any kind of review और मैं कोई भी DIY स्किन केयर भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ. What I am doing today in this video is that मैं अपना एक्सपीरियंस जो है पर्पल के साथ वो शेयर करने वाली हूँ. I think and आई एम श्योर आप लोगों ने भी फेस किया है ये प्रॉब्लम. अगर आप लोग भी पर्पल से परचेस करते हो, मैं कंटिन्यूसली पर्पल से परचेस करती हूँ, बट मेरे को एज सच अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था डिलीवरी को लेके. 7-8 days में ही मेरा पार्सल जो है यहाँ पे पहुँच जाता है. एज़ यू ऑल नो सिलीगुड़ी मेट्रो सिटी नहीं है, तो लगते हैं 7-8 days, आई नो, बट उससे ज़्यादा लग गया. मेरे को 20 दिन जैसा लग गया था डिलीवरी कराने में, और मैंने एक्शन लिया तभी मेरे को मेरा रिसीव हुआ. जिस दिन एक्शन लिया उसके ही नेक्स्ट दिन मेरे को मेरा पार्सल जो है वो रिसीव हुआ है. सो या आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा कहीं ना कहीं. सो या गाइस, अभी ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैंने कब ऑर्डर प्लेस किया था, कब मेरे को रिसीव हुआ, एंड इसके बीच में क्या क्या हुआ वो मैं सारी डिटेल्स आप सभी को दे देती हूँ. और मैंने यहाँ पे लिख के रखा है क्योंकि फ़ोन यहाँ पे है. तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर किया था 4 अगस्त को, ओके, एंड 5 अगस्त को मेरे को मैसेज आ गया कि डिस्पैच हो चुका है आपका ऑर्डर गुड़गांव से, एंड मेरे को डिलीवरी डेट दिया गया था 11th अगस्त का, ठीक है. सो उस दिन 11th अगस्त को मेरे को ना ही कुछ कॉल आया, ना ही कुछ मैसेज आया. एंड देन मतलब मैंने उन लोगों के ऐप में जाके देखा तो वहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी दिखाया हुआ था पर्पल के ऐप पे, एंड इनका जो कुरियर पार्टनर था वो था ब्लू डार्ट. आप लोगों के पास मतलब कोई दूसरा भी हो सकता है डिलीवरी पार्टनर, बट मेरे यहाँ पे एरिया का ब्लू डार्ट है. तो वो कुरियर पार्टनर था, उन लोगों की ओर से जो मैसेज आ गया था कि आपका पार्सल आ रहा है बोल के. एंड देन मैंने बाद में फिर से ऐप पे जाके देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था प्रोहिबिटेड एरिया एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, ओके. आई थॉट कि कोरोना की वजह से हो रहा होगा क्योंकि कोरोना इतना फैला हुआ है सिलीगुड़ी में भी. तो शिव मंदिर में है इन लोगों का ऑफिस, तो शिव मंदिर से इधर आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी. कल परसों मेरा रिसीव हो जाएगा मैंने सोचा. फिर इन लोगों ने दूसरा डेट दिया 12th को, ओके. 12th को डेट दिया, 12th को भी सेम हुआ. 12th को जब मेरे को पार्सल रिसीव नहीं हुआ, फिर इन लोगों ने 13th का डेट दिया, फिर 14th का, फिर 15th का डेट दिया, ओके. मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने इन लोगों का जो मैसेज आता है ना उसमें से जाके, उसमें कस्टमर केयर का नंबर होता है एंड ईमेल एड्रेस भी होता है, ओके. तो मैंने कॉल किया, कॉल लगा ही नहीं. कॉल में बोल रहा था कि स्विच ऑफ है, कभी बोल रहा है कि रॉन्ग नंबर. तो बड़ा ही मुश्किल हो रहा था. मेरे को ना अर्जेंटली प्रोडक्ट चाहिए था क्योंकि मैंने कमिटमेंट दे दी थी वीडियो में कि आई विल डू अ पर्पल हॉल वेरी सून बोल के. तो हर वीडियो में बोली जा रही हूँ बट पर्पल हॉल आ ही नहीं रहा है. तो दैट्स वाई मेरे को बड़ा टेंशन होने लग गया कि आएगा या फिर नहीं. तो मैंने फर्स्ट उन लोगों को तो कॉल लगा ही नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने ईमेल कर दिया उन लोगों को 16th को, ओके. सो 16th को जब मैंने ईमेल किया तो उन लोगों का रिप्लाई आया 18th अगस्त को. रिप्लाई क्या आया कि आपने जो हमें AWP नंबर दिया है वो रॉन्ग है. माई मिस्टेक, माई बैड, मैं क्या कहूँ अब. मैंने वो 11 डिजिट का होता है नंबर AWB, हाँ AWB नंबर होता है पर्पल में. आप ट्रैकिंग में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे AWB नंबर लिखा होता है. वो नंबर आपको ईमेल में मतलब आपका जो प्रॉब्लम है, मैंने तो यही बोला कि मेरे को प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है, मैंने पर्पल से ऑर्डर किया था एंड आपका जो कंपनी है वो डिले करती जा रही है मेरा ऑर्डर, तो आई वॉन्टिट एज सुन एज पॉसिबल बोल के मैंने उनको AWB नंबर भी दे दिया था.
बट वहाँ से जो रिप्लाई आया कि आपका AWB नंबर रॉन्ग है, तो मैंने उसी दिन फिर 18 अगस्त को ही न्यू जो ईमेल है वो उन लोगों को सेंड किया विथ करेक्ट AWB नंबर, एंड उन लोगों का इमिडिएटली मेरे को नेक्स्ट डे रिप्लाई आ गया था कि आपका जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूँगी बेसिकली, ओके यू कैन रीड इट आउट, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाएगा बोल के मेरे को इमीडिएटली, जैसे वो ईमेल मुझे रिसीव हुआ और मैं पढ़ रही थी तभी मुझे डिलीवरी बॉय का कॉल आता है कि मैम आपका पार्सल है आपको कल रिसीव हो जाएगा ऐसे करके। तो मैंने बोला कि इतना दिन डिले क्यों हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैम आपका नंबर ही नहीं लग रहा था। आई वॉज लाइक कैसे हो सकता है ये कि मेरा नंबर नहीं लग रहा है यार, सब कोई मेरे को कॉल कर रहा है उन लोगों का। एनीवेज तब मेरे को 20 अगस्त को जब लॉकडाउन था शायद, हाँ जब लॉकडाउन था सिलीगुड़ी में, तब मुझे जाके प्रोडक्ट रिसीव हुआ। एंड मैं लास्टली यही कहूँगी कि मैं कोई नेगेटिव में नहीं जाना चाहती हूँ, सो आई थिंक कि ये जो प्रोसेस था इसने मुझे पेशेंस लेवल और भी इंक्रीज़ कर दिया, एंड मैं और भी ज़्यादा पेशेंस को मेंटेन कर सकती हूँ। अब मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती हूँ किसी भी चीज़ को लेके, मतलब स्पेशली कुछ चीज़ मैंने ऑर्डर किया होता है तो उतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड नहीं रहती हूँ कि कब आएगा कब आएगा, मैं हर वक्त चेक करती रहती थी। एंड इसमें आई थिंक कि पर्पल वालों का कोई भी आई डोंट थिंक सो कोई भी क्या बोलते हैं उसको दोष है या फिर फॉल्ट है, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, ओके देखो मैं यहाँ पे रहती हूँ सिलीगुड़ी में, एंड मेरा भाई या फिर बहन कोई भी हो जो भी ले लो, वो लोग रहते हैं मुंबई में बेंगलोर में कहीं पे भी, एंड मुझे कुछ उन लोगों को सामान भेजना है तो मैं कुरियर से भेजूँगी ना, तो कुरियर करके मैंने कुरियर वाले को दे दिया, उन लोगों ने एक डेट दे दिया कि इस टाइम पर पहुँच जाएगा, अगर वो लोग लेट कर रहे हैं तो मेरा उसमें क्या फॉल्ट है। तो मैंने देखा इंटरनेट पे और यूट्यूब पे भी बहुत लोग जब लेट डिलीवरी होती है तो पर्पल वाले को बहुत कुछ सुना रहे थे, तो आई थॉट कि दिस इज़ नॉट फेयर, उन लोगों ने तो अपना काम कर दिया एंड उन लोगों ने अपना प्रोडक्ट दे दिया, एंड अब ये जो कुरियर वाला है उसका फर्ज बनता है कि वो ठीक टाइम पे पहुँचा दे प्रोडक्ट। और मैं मेरे को लगा था कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं उन लोगों के साथ ये हो रहा है, लेट डिलीवरीज हो रही है। तो या मैं यही कहूँगी कि आई थिंक अपना अपना ओपिनियन होता है, सो आई थिंक कि पर्पल वालों का कोई दोस्त नहीं है, जो दोस्त होता है वो डिलीवरी वालों का हो रहा है अभी। और एक बात, और एक दोस्त मुझे एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि हम लोग कैसे पता करें कि हमारे एरिया का कौन सा पर्पल का कुरियर वाला है, तो आप जब ऑर्डर करोगे तो वो लोग अपने आप लोगों को मैसेज कर देंगे, उसमें ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका कुरियर किस कुरियर एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। तो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, हेल्प हुआ, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड उसके बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलना, ताकि मैं जब जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।